Okay, so our next topic is significant figures. Significant figures in a number are all the certain digits plus one uncertain digit. That means here in this example 9.265 we have 1, 2, 3 and 4, 4 certain digits. So here we have 4 certain digits. That means that we have 4 significant figures. There are certain rules to calculate the number of significant figures in a number. ए रूल्स केड़े ने ए आपां करांगे ठीक है. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. दैट मीनस दैट बचो कि जिहड़े भी नॉन जीरो डिजिट्स ने साडियां जिवें कि इत्थे 3132 ठीक है 3.132 ए नंबर है. इहदे अंदर डिजिट्स हैं 3132. इहदे अंदर सारियां ही नॉन जीरो. इहदा मतलब है कि सारियां सिग्निफिकेंट है. इहदे अंदर साडे कोल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ने. ओके 5.4 दे अंदर 1 2 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ने. इदां ही सैकेंड रूल साडा कहिंदा जीरो. ये तो सी नॉन जीरो ली रूल. हुण जे जीरो आ जाए जीरो भी सिग्निफिकेंट हो सकती है लेकिन उहदे लई रूल है कि जो जीरो है इट शुड बी बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट. कि अगे ते पिछे की होना चाहिए नॉन जीरो नंबर लाइक 3 ते 1. इहदे विच आ जीरो आउंदी है. एक्चुअल जो नंबर है 3.01. 3 ते 1 डिजिट दे विच आ जीरो इस करके आ सिग्निफिकेंट हो गई 3 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट है साडे कोल इत्थे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3.0025. ये अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स ने. नेक्स्ट रूल है द जीरोज प्रिसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट. यानी कि नॉन जीरो नु जड़े जीरोज प्रिसीड कर दिया वो सिग्निफिकेंट नहीं है. लाइक इतने दो जीरोज 3 नु प्रिसीडिंग जीरोज ने इस करके नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है. किन्ने सिग्निफिकेंट फिगर्स ने इतने 1 2 3 इतने 1. लास्ट रूल है ऑल जीरोज प्लेस्ड एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट एज दे आर ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट तो राइट ते ने ठीक है. ठीक है डेसिम किसी नॉन जीरो तो राइट ते ने डेसिमल पॉइंट तो राइट ते ने या फिर नॉन जीरो तो राइट ते ने ठीक है. तो वो सिग्निफिकेंट होंगे जीरोज. इतने 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. इतने 1 2 3 डेसिमल आ गया तो 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर है. इतने 1 2 3 4 5 6 इतने भी 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. एक्सपोनेंशियल टर्म्स के अंदर किमें आप कैलकुलेट करांगे. एक्सपोनेंशियल टर्म्स के जो सानू नंबर दिता होएगा असं पावर नू कैलकुलेट नहीं करना. सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू नू आप देखना है. जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यही दसदा है कि किन्ने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इतने 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ने. इतने 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ने ठीक है. इतने साडा एक्सपोनेंशियल दा टॉपिक फिनिश हुंदा. हुण नेक्स्ट टॉपिक जिहड़ा आंदा वो है अपना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बीनेशन. की कहिंदा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बीनेशन. ये साडे कोल सानू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बीनेशन जदों भी कोई चीज़ केमिकली कंबाइन करदी है तो उदों कुछ लॉज एप्लीकेबल हुंदे आ उहदे उत्ते ठीक है. वो 5 लॉज आपां इस चैप्टर च स्टडी करांगे. सारे ही लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दूजा लॉ ऑफ कॉन्सटेंट कॉम्पोजिशन एंड डेफिनेट प्रपोर्शन. तीजा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस. चौथा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस. पंचवा लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. या फिर द सेकेंड नेम है गे-लेजेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. सो ये जो लॉज ने ये आ फर्स्ट 4 लॉज ये एक्ट कर दिया डील कर दिया मास रिलेशनशिप के नाम. तो जोड़ा सा लास्ट लॉ है ये डील करता वॉल्यूम रिलेशनशिप के नाम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की कहते हैं. ये पोस्टुलेट किया फ्रेंच केमिस्ट ने एंटनी लेवोजियर इन 1789. ये कहता है ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज. जो भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होंगे टोटल मास जो है प्रोडक्ट का वो इक्वल है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं ठीक है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास कभी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही ये डिस्ट्रॉय हो सकता है. देयरफॉर आप ये भी कह सकते हैं इनू इस लॉ नू एक नाम दे सकते हैं जिन्हों कहते हैं इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. ओके एक्सपेरिमेंटल वेरीफिकेशन दिती. ये एक्सपेरिमेंटल वेरीफिकेशन दिती लैंडलॉर्ड ने. इस करके लैंडलॉर्ड्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. ये उन्होंने दो सोल्यूशन ले सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट का. इन्हें दो लिम्स पाया एच शेप्ड ट्यूब जिन्होंने लैंडलॉर्ड्स ट्यूब भी कहने. ये ट्यूब सील्ड सगिया तो उन्होंने वे किया.
उस तो बाद उन्होंने वेइंग तो बाद दोनों सोल्यूशनस में मिक्स कर दिता, शेक किया, तो रिएक्शन अक्कर कर गई। रिएक्शन अक्कर हो गई AgNO3 ते NaCl दे विच, ते की बनया AgCl बनया NaNO3। जो AgCl है ये वाइट कलर का बेटा प्रेसिपिटेट है, ठीक है, ओके। सो आफ्टर द रिएक्शन मास वॉज अगेन मेजर्ड, जो दोबारा मास मेजर किया गया तो वह रिएक्टेंट के मास से ही इक्वल आया, ठीक है। द आफ्टर द रिएक्शन ट्यूब वॉज वेड एंड ऑब्जर्व दैट द मास वॉज अनचेंज, दिस वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई तो साडा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि कभी कोई भी कैमिकल चेंज हो चाहे फिजिकल चेंज हो, मास ऑफ प्रोडक्ट जो है मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल है, ओके। सो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन। इट वॉज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रॉस इन 1799। इट स्टेट्स दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट कंबाइंड टूगेदर इन अ सेम डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वेट। किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड के अंदर हमेशा सेम एलिमेंट्स होंगे कंबाइंड द सेम डेफिनेट प्रपोर्शन के अंदर बाय वेट, ठीक है। यदि एक्सपेरिमेंटल वेरीफिकेशन जो है वह की सी किद्दा किता, इट कैन ईजीली बी वेरीफाइड इन लैब। लैब च बहुत अच्छे तरीके वेरीफाई कर सकते, जिदा कि एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड नूं आपां प्रिपेयर कर सकते हैं इन्हां मैथड्स तो, ठीक है। पहला मैथड है बाय हीटिंग कॉपर पाउडर इन ऑक्सीजन। कॉपर पाउडर नूं हीट कर दिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में की बनेगा कॉपर ऑक्साइड। दूजे मैथड तो प्रिपेयर किया कॉपर कार्बोनेट नूं हीट करता, ये टुट गया CuO ते CO2 च। तीजा मैथड से कि हीट कर दिता कॉपर नाइट्रेट, यह भी डिकम्पोज हो गया, यह बनाएगा कॉपर ऑक्साइड से NO2 ते O2, ठीक है, ठीक है। द वेट क्वांटिटीज ऑफ 3 सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड वर रिड्यूस टू कॉपर सैपरेटली इन करंट ऑफ हाइड्रोजन। यदा वे किया वे क्वांटिटीज लिया इन्हों तिना का वेट किया, तो इन्हों हाइड्रोजन पास करा के की करा दिता रिड्यूस करा दिता, ठीक है, हाइड्रोजन करंट। देखो जो हाइड्रोजन पास करेगी कॉपर ऑक्साइड तो की बनेगा, कॉपर बनेगा तो नाल वाटर निकलेगा क्योंकि H2 है वह ऑक्सीजन लेके निकल जाऊगी, ठीक है। हुण जड़ी कॉपर पिछे रह गई उन्होंने नोट किया, ठीक है। फ्रॉम वेट ऑफ कॉपर लेफ्ट बिहाइंड वेट ऑफ ऑक्सीजन इन द सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड वर कैलकुलेटेड, किन्नी कॉपर रह गई, ठीक है, किन्नी कॉपर आ बच गई, ये वेट तो आप अंदाजा लगाया कि किन्नी ऑक्सीजन साड़ी यूज हो गई, कैलकुलेट किया। ये ऑब्जर्व किया गया जो रेशियो है कॉपर ते ऑक्सीजन दी बाय वेट ये की सारे सैंपल्स दे विच सेम आई, किन्नी आई 4:1। ये तो साडा लॉ ऑफ कॉन्सटेंट कंपोजिशन वेरीफाई होंदा है क्योंकि बेटा आ जो कॉपर ऑक्साइड सी आ कोई एक सैंपल तो नहीं लई, आपां 3 सैंपल्स तो लई हां, तीनों ही अलग अलग तरीके नाल बनाईयां गईयां सी, ते ये तीनों ही कॉपर ऑक्साइड जिहड़ियां ने जदों इन्हां नूं हाइड्रोजन नाल कराया गया ते कॉपर ते ऑक्सीजन दी रेशियो किन्नी आई सेम आई 4:1 है। इस करके तो सानूं पता लगदा कि जो लॉ है एक ये वेरीफाई होंगे कि यानी कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है वो अंदर हमेशा सेम एलीमेंट्स है, जिमें कॉपर ऑक्साइड अंदर कॉपर तो ऑक्सीजन ही है, ठीक है। इन्हों की रेशियो कंबाइनिंग की वो भी की है सेम है, यानी 4:1। ये लिमिटेशन भी आई हैं, दिस डज नॉट होल्ड गुड वैन अ कंपाउंड इज ऑबटेन्ड बाय यूजिंग डिफरेंट आइसोटॉप ऑफ कंबाइनिंग एलीमेंट्स, यानी आइसोटॉप्स के लिए वैलिड नहीं है। मान लो मैं दो सैंपल प्रिपेयर किए HCl के, ठीक है, एक के अंदर तो Cl-35 यूज़ किया, एक के अंदर Cl-37 यूज़ किया, उस केस के आ लो वेरीफाई नहीं होता। सैकेंड द एलीमेंट मे कंबाइन इन सेम रेशियो बट द कंपाउंड फॉर्म मे बी डिफरेंट। हुण एलीमेंट की रेशियो तो सेम है, जिवें CHO एलीमेंट्स ने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यदि कंबाइनिंग रेशियो 24:6:16 या फिर आप कह सकते इन सिंपलर फॉर्म से 12:3:8। रेशियो तो सेम है लेकिन कंपाउंड्स जो देखिए आप अलग अलग से ए रेशियो दो कंपाउंड्स तो आई हैं, एक तो CH3O CH3, एक C2H5OH। ए तो साड़ी अल्कोहल है, ए साड़ा ईथर है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लेकिन रेशियो की है सेम है। यदा मतलब है यदा इनवर्स करैक्ट नहीं है, यानी कि जोड़े कंपाउंड सेम है उन्होंने रेशियो तो सेम है लेकिन जिन्हों की रेशियो सेम है वह कंपाउंड सेम नहीं, ओके।